सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इज मेटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल इज द वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट। देखिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का जो एलिमेंट है क्या है, फर्स्ट इज मेटेरियल, लेबर एंड योर एक्सपेंसेस। सो अभी हम बात करेंगे मेटेरियल। सो कंट्रोलिंग द मेटेरियल कॉस्ट इज द वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट इन द कॉस्टिंग। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके सब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, रॉ मेटेरियल कॉस्ट द मेजर पार्ट। अगर रॉ मेटेरियल कॉस्ट, जैसे आप बनाते हैं लोहा का चेयर, सो इन दैट केस लोहा का चेयर में मेन कंटेंट क्या है, रॉ मेटेरियल, आयरन ओर, ठीक है। और सपोज ए कंपनी इज मैन्युफैक्चर ए वुडन चेयर, तो रॉ मेटेरियल क्या है, वुड है। अगर लेदर बना रहा है, लेदर का शू बना रहा है, तो रॉ मेटेरियल क्या है, लेदर। तो लेदर इज द मेजर पार्ट। तो इन दैट केस लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने से अच्छा है कि मेटेरियल को कंट्रोल करे, एंड व्हिच गिव द बेटर रिजल्ट ऑफ द कंपनी। सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज इन्वेंट्री, और जनरली व्हाट इज मीन बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब जनरली इट इज रॉ मेटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, ये तीनों को मिला के बोलते हैं इसको इन्वेंट्री। एंड व्हाट इज मेटेरियल, मेटेरियल जनरली मीन्स रॉ मेटेरियल। तो रॉ मेटेरियल क्या है, एनीथिंग व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड, सो उसको बोलते हैं रॉ मेटेरियल। जैसे हो गया आपको क्ले, क्ले से हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। सो रॉ मेटेरियल इज योर क्ले। सो फर्स्ट इज यू हैव टू कंट्रोल द raw material. So let's see the definition. And material is also divided into two parts, direct material and indirect material. So let's see, all among the three element of cost, direct cost of material is the most important significant elements. हम लोग जो पढ़े हैं पहले से और मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो अभी आप समझ लीजिए। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल प्ले वेरी वाइटल रोल, और मेटेरियल कॉस्ट प्ले वेरी वाइटल रोल इन द कंट्रोल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जानते हैं, उसमें सबसे बेटर है मेटेरियल कंट्रोल। द टर्म मेटेरियल इज वेरी फ्रॉम द ब्रॉड टर्म एंड व्हिच इंक्लूड डायरेक्ट मेटेरियल एंड इनडायरेक्ट मेटेरियल। सो डायरेक्ट मेटेरियल आर व्हिच आर कन्वर्टेड इंटू फिनिश प्रोडक्ट, मीन्स रॉ मेटेरियल इज कन्वर्टेड इंटू फिनिश प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, आप लेदर से लेदर शू बना रहे हैं, आयरन ओर से आप आयरन चेयर बना रहे हैं, लोहा का चेयर। सो प्रोडक्ट में भी आउट ऑफ सिंगल रॉ मेटेरियल और में भी मल्टीपल रॉ मेटेरियल, एक प्रोडक्ट मोर देन और सिंगल मेटेरियल से बन सकता है एंड मोर देन वन मेटेरियल से भी बन सकता है। देन इनडायरेक्ट मेटेरियल मीन्स, जैसे हो गया इट इज नॉट द डायरेक्ट मेटेरियल, बाय सीइंग द प्रोडक्ट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, दैट कॉल इनडायरेक्ट मेटेरियल। जैसे हो गया पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और क्लीनिंग ऑफ मेटेरियल और ग्रीस, मोबिल ऑयल, नॉट बोल्ट, दीज आर ऑल कॉल्ड इनडायरेक्ट मेटेरियल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटेरियल। सो मेटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल इज द डिफाइन एट द सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ परचेज, स्टोर एंड यूज ऑफ रॉ मेटेरियल इन सच ए वे टू मेंटेन द एवरी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। सो रॉ मेटेरियल कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल इज द डिफाइन एट द सिस्टमेटिक कंट्रोल, इट इज ए सिस्टमेटिक कंट्रोल, इट इज ए कंट्रोल of what, purchase or stores or issue is known as inventory control to maintain production. क्यों करते हैं हम लोग इसको control, purchase को, store को और issue को, for maintain production, production बंद ना हो जाए, इसके लिए हम लोग inventory और material को control करते हैं। An efficient material control
cut the losses, wastage of material otherwise pass uniformly. Means best control of inventory will maximize your profitability and minimization of loss. सब लोग देखेंगे why you are doing the inventory control or material control. तो scope of material control. Next topic क्या है? Scope. Scope of material control. So scope क्या है? Purchasing of raw material, receiving an inspection, storing material, issue of raw material, inventory record, inventory control, or accounting of material or issue of material. So these are the scope of raw material. Inventory control में हम लोग क्या देखेंगे? Purchase of material. आप कहाँ से raw material खरीदेंगे? That is what called purchase of raw material. Second is receiving of raw material and inspection. आप material को जब receive करेंगे, तो क्या क्या स्टेप रहेगा? आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहेगा? कैसे आप वहाँ से रोड से मंगाएंगे, रेल से मंगाएंगे, फ्लाइट से मंगाएंगे, और उसको इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू इंस्पेक्ट द मेटल? जो क्वांटिटी आप मंगाए थे वो आया कि नहीं, जो क्वालिटी ऑफ मेटल मंगाए वो आया कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन और रिसीविंग ऑफ मेटेरियल. देन स्टोरिंग ऑफ मेटल, आप जो रॉ मेटेरियल मंगा लिए उसको अच्छा जगह पे रखना है, सो यू हैव टू कीप द रॉ मेटेरियल इन पर्टिकुलर प्लेस और स्टोर. देन इशूइंग रॉ मेटेरियल, आप जो रॉ मेटेरियल मंगाए उसको आप यूज करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है? रिक्वेजिशन देगा. सो दैट इज ऑफ द इशू ऑफ मेटेरियल, व्हाट एवर यू आर रिसीविंग एंड यू आर गोइंग टू इशू द रॉ मेटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ रॉ मेटेरियल. देन इन्वेंट्री रिकॉर्ड, देन यू हैव टू मेंटेन द इन्वेंट्री, कितना आया, कितना गया और कितना बचा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड. हाउ मच यू हैव परचेज, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक, and what you have purchased, then what you have issued, and what will be your closing balance. Kitna tha, kitna aaya, kitna gaya, kitna bacha hai. That is all called inventory record. Then inventory control. Control your issue, control your receiving, control your total inventory. Then accounting of material. Different type of techniques are there for accounting of raw material. So these are the scope of inventory control or material control. Then what is the objective of material control? So main objective of material control is to know understock. आपको इन्वेंट्री कम नहीं रखना है तो क्या होगा? प्रोडक्शन लॉस होगा. आप इन्वेंट्री जितना जरूरत है उतना नहीं रखेंगे तो क्या होगा? नेचुरली आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा. और नो ओवर स्टॉक, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा? आपका पैसा ब्लॉकेज हो जाएगा. आप सब मेटेरियल रॉ मेटेरियल में डाल देंगे तो चलाएंगे कैसे कंपनी? वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा. तो सो इट विल नॉट एडवाइजेबल टू मेक अंडर एंड ओवर स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल. देन इकोनॉमी परचेज, द क्वांटिटी शुड बी परचेज, इट शुड बी ऑप्टिमम. इकोनॉमी ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट. सो द क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड करिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी परचेज. Then proper quantity of purchase, the quantity should be ordered which will helpful for the production and there will be no production harm. ज़्यादा खरीदना नहीं है कि कम खरीदना नहीं है. Then minimum wastage, आप raw material ऐसे खरीदेंगे best quality होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? आपका wastage ज़्यादा होगा और आपका cost बढ़ जाएगा. Then information about the material, you should get the proper information about the material. कहाँ से खरीद रहे हैं, supplier कौन है, कहाँ जगह से खरीद रहे हैं, उसका क्या status है, everything that have to collect the data. Proper information has to be collect about the material. Availability क्या है और details. So this is all about the objective of inventory control and scope of material control. Then movement of material. What is the movement of raw material and flow of material routed involve the following. इसको समझने के पहले आप लोग एक डायग्राम देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा. See, this is the flow of chart of store material. देखिए ये हो गया flow chart for material cost flow on manufacturing concern. Raw material
फ्लो चार्ट क्या होता है जनरली, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है और स्टोर डिपार्टमेंट रहता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट अदर रहता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है कि स्टोर डिपार्टमेंट को बोलता है कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए, सो वो क्या करता है एक ऑर्डर प्लेस करता है स्टोर डिपार्टमेंट, रिक्विजिशन देता है, स्टोर रिक्विजिशन देता है, किसको देता है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है वो सप्लाई टेंडर इशू करता है और परचेज ऑर्डर इशू करता है कि उनको क्या चाहिए। तो इन लोग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ मेटल चाहिए वो स्टोर डिपार्टमेंट को देता है और स्टोर डिपार्टमेंट क्या आता है परचेज प्रोसीजर फॉलो करता है और रॉ मेटेरियल रिसीविंग फ्रॉम द सप्लाई, फिर सप्लाई को ऑर्डर देता है और रॉ मेटेरियल रिसीव करता है। अगर रिसीव करता है अगर एज पर द स्टैंडर्ड रहा तो वो क्या करता है उसको यूज करता है स्टोर में, रॉ मेटेरियल स्टोर इन द स्टोर और वेयर हाउस उसमें रख देता है। अगर नहीं हुआ तो इसको रिटर्न करता है, रिटर्न टू सप्लायर। देन जब रॉ मेटेरियल स्टोर में रखता है उसके बाद क्या होता है इट हैज बी इशू टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इट कैन बी रिटर्न टू द सप्लायर। उसके बाद ये सकता है इशू टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो क्या वो क्या करेगा प्रोडक्शन करेगा और नहीं हो तो ये वर्किंग प्रोग्रेस में रहेगा। मीन्स द इन्वेंट्री हैज टू बी कंट्रोल। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ रॉ मेटेरियल। सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर रॉ मेटेरियल कॉस्ट फ्लो इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जनरली ये फ्लो होता है, फिर प्रोडक्शन डिपेंडेंट होके वर्किंग प्रोग्रेस होके यहाँ क्या होता है फिनिश गुड बन जाता है और उसके बाद उसको क्या होता है डीलर और सप्लायर को दे देते हैं, उसके बाद एक कंजम्पशन होता है बाय द कंज्यूमर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेंट्री फ्लो, फ्लो ऑफ इन्वेंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सो नेक्स्ट इज एसेंशियल ऑफ इन्वेंट्री प्रोसीजर। क्यों हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, व्हाट इज एसेंशियल। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर प्रोडक्शन परचेज इंस्पेक्शन एंड स्टोर अकाउंट डिपार्टमेंट। सो एसेंशियल क्योंकि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। जैसे हो गया बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या होता है पेमेंट कराता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HR मैन पावर रिक्रूटमेंट करता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या होता है इट इज रिक्वायर्ड टू हैव गुड कोऑर्डिनेशन फॉर प्रॉपर एसेंशियल फॉर मेटेरियल कंट्रोल। देन सेंट्रलाइज परचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल कंपनी। सेंट्रलाइज परचेज, सेंट्रलाइज परचेज मतलब हो गया टोटल हर एक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल आदमी रहेगा जो परचेज करेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। एक ही आदमी, अगर ये पांच डिपार्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल पांच डिपार्टमेंट है तो ये सेंट्रल ही डिपार्टमेंट सबके लिए परचेज कर, सबको अगर पेन चाहिए तो ए डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज मतलब होगा सब कोई अलग अलग अपना पेन खरीदेंगे। अगर पांच डिपार्टमेंट है यहाँ अगर 50 तो चाहिए 10 इंच तो एक कौन करेगी 50 खुद खरीदेगा और नहीं तो इन लोग इंडिविजुअल 10-10 खरीदेंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज परचेज एंड डिसेंट्रलाइज परचेज। देन यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्मेट रिक्विजिशन परचेज रिसीव इंस्ट्रक्शन। मीन्स देयर इज ए पर्टिकुलर प्रिंटेड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद का इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है, उन लोग का परचेज का अलग, इशू का अलग और इंस्पेक्शन के लिए अलग फॉर्मेट होता है और इट इज़ ए पर्टिकुलर पेपर डॉक्यूमेंट होता है और ऑनलाइन सिस्टम में भी उन लोग इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उन लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे रिक्विजिशन स्लिप, ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर और इंस्पेक्शन इशू के लिए। देन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर एवरी स्टेज ऑफ चेकिंग। मीन्स देयर शुड बी इंटरनल कंट्रोल, प्रोसेस ठीक से हुआ कि नहीं, इंस्पेक्शन ठीक से हुआ कि नहीं और इशू ठीक से हुआ कि नहीं। सो फॉर दैट देर इज ए इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी बिल्ट अप फॉर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। देन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ मेटेरियल। रॉ मेटेरियल तो आप मंगा लिए, अगर ठीक से नहीं रखेंगे तो रॉ मेटेरियल खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है और कुछ भी लॉस हो सकता है, स्पॉयलेज हो सकता है, एनीथिंग। सो
So proper storage of raw material is play a very vital role. Then system for perpetual inventory system or recording of stock for every transaction. Proper inventory record keeping hona chahiye. Then regular reporting of quantity and value of receipt of issue of stock. Regularly hona chahiye. Kitna material aaya, kitna gaya aur kitna bacha. So uska record maintain hona chahiye. Then reconciliation of report of correcting the accounting record. आपका जो कितना फिजिकल स्टॉक कितना है और अकाउंट्स में क्या है, बुक स्टॉक एंड एक्चुअल स्टॉक शुड बी रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेंशियल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल और फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. So this is the basic about the inventory control system. So हम लोग देखें what is material and what is objective of material control, scope of material control, then objective of material control. Scope में जैसे purchase of raw material, receiving, storing, issuing, inventory control, all these thing. And objective, no understock of raw material, no overstock of raw material, economy purchase and economy of quantity should be minimum storage होना चाहिए. And information about the raw material. This is the basic objective of inventory control and scope. और फिर हम लोग देखें movement of raw material. कैसे movement होता है? Flow of inventory. जैसे हो गया planning for material, procurement of raw material, receiving and inspections, then store material should be kept, issuing, then store record. So this is all about the in movement of materials, flow of materials. Then हम लोग देखे थे essential. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइज परचेज, देन प्रिंटेड फॉर्म होना चाहिए, देन इंटरनल चेक एंड स्टोर्स, फिर परपेचुअल इन्वेंट्री, रिपोर्ट क्वांटिटी एंड देयर इज बी वेरियंस, रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए अकाउंट्स के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल, बेसिक अबाउट द इन्वेंट्री कंट्रोल. सो थैंक यू फ्रेंड्स.